नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इंटरटेन फॉर यू के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आमिर खान की एक बेहतरीन फिल्म राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म के बजट, बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस और इस फिल्म से जुड़े रोचक फैक्ट के बारे में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहें वीडियो के साथ, क्योंकि आगे आपको बहुत सी जानकारी मिलेगी। राजा हिंदुस्तानी ये एक म्यूजिकल रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी जिसे रिलीज किया गया था 15 नवंबर 1996 को। इस फिल्म में नजर आए थे आमिर खान, करिश्मा कपूर, सुरेश ओबेरॉय, जॉनी लीवर, मोहनीश बेल, अर्चना पूरन सिंह जैसे बेहतरीन कलाकार। इस फिल्म की स्टोरी और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था धर्मेश दर्शन ने, जो कि इससे पहले सनी देओल और जूही चावला के साथ लुटेरे जैसी फिल्में बना चुके थे। इस फिल्म में म्यूजिक दिया था नदीम शर्मन ने। इस फिल्म के गाने गाए थे उदित नारायण, अलका याग्निक और कुमार सानू जैसे लेजेंडरी सिंगरों ने। इस फिल्म में 51 मिनट 20 सेकंड लंबाई की कुल 8 गाने रखे गए थे। फिल्म के गाने के बोल थे, पूछो जरा पूछो, आए हो मेरी जिंदगी में, कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, परदेसी परदेसी और तेरे इश्क में नाचेंगे। इन गानों को दर्शकों ने खूब पसंद किया था और इस फिल्म के गाने उस समय काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुए थे। इस फिल्म के 1,20,00,000 से भी ज़्यादा ऑडियो कैसेट सेल किए गए थे और ये 1996 का सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला सॉन्ग था। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। इस फिल्म का बजट 5,75,00,000 था और इस फिल्म ने लाइफ टाइम पे 76,34,00,000 का कलेक्शन किया था और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। इस फिल्म की लंबाई 2 घंटा 45 मिनट की है, जिसे IMDb पर 6.1 की रेटिंग मिली हुई है। वहीं 69% गूगल यूजर्स ने इस फिल्म को पसंद किया है। तो चलिए बात करते हैं इस फिल्म से जुड़े रोचक फैक्ट के बारे में। फैक्ट नंबर 1, राजा हिंदुस्तानी 1996 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की रेस में पहले पायदान पर थी। बात करें उस साल की टॉप 5 सबसे ज़्यादा कमाऊ फिल्मों की, तो उस साल पहले नंबर पर थी राजा हिंदुस्तानी, दूसरे नंबर पर थी अग्नि साक्षी, तीसरे नंबर पर थी जीत, चौथे नंबर पर थी घातक और पांचवें नंबर पर थी खिलाड़ियों का खिलाड़ी। फैक्ट नंबर 2, राजा हिंदुस्तानी 1996 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों के साथ साथ पूरे 90 के दशक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी। बात करें 90 के दशक की पहले और दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म की, तो 90 के दशक की पहली सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी सलमान खान की हम आपके हैं कौन, दूसरे नंबर पर थी शाहरुख खान की दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और तीसरे नंबर पर थी आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी। फैक्ट नंबर 3, आमिर खान की राजा हिंदुस्तानी 1965 में रिलीज फिल्म जब जब फूल खिले की रीमेक थी, जिसमें लीड रोल में नजर आए थे शशि कपूर। फैक्ट नंबर 4, राजा हिंदुस्तानी फिल्म की एक्ट्रेस करिश्मा कपूर की राजा हिंदुस्तानी कैरियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म थी और इस फिल्म में इन्होंने काफ़ी अच्छी एक्टिंग की थी। इस फिल्म में इनके द्वारा निभाए गए रोल को देखते हुए लोग इस फिल्म को राजा हिंदुस्तानी नहीं बल्कि रानी हिंदुस्तानी कहकर बुलाने लगे थे। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में पहले लीड रोल के लिए जूही चावला, पूजा भट्ट और ऐश्वर्या राय को अप्रोच किया गया था, पर इन तीनों ही एक्ट्रेस ने इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया था, जिसके बाद इस फिल्म में लीड रोल के लिए करिश्मा कपूर को साइन किया गया था।
फैक्ट नंबर 6, जब इस फिल्म का ऑफर आमिर खान को मिला था तो आमिर खान ने इस ऑफर को ठुकरा दिया था। वो इस फिल्म में काम नहीं करना चाहते थे। तब इस फिल्म के डायरेक्टर धर्मेश दर्शन ने उन्हें समझाया कि वो इस फिल्म में वो सारा कुछ रखेंगे जो कि एक कमर्शियल सक्सेसफुल फिल्म में होता है। तब जाकर आमिर खान इस फिल्म में काम करने के लिए राजी हुए थे। फैक्ट नंबर 7, इस फिल्म ने बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एक्ट्रेस, बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर सहित कुल 11 अवार्ड जीते थे। फैक्ट नंबर 8, इस फिल्म की लंबाई पहले 4 घंटे 25 मिनट की थी। इसके बाद इस फिल्म के काफ़ी सीन को कट कर दिया गया था और इस फिल्म का फाइनल लंबाई 2 घंटा 45 मिनट कर दिया गया था। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। बहुत जल्द इस वीडियो का पार्ट 2 आने वाला है, जहां हम इस फिल्म से जुड़े और भी काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में बात करेंगे। तो आपको अगर हमारी द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों।